हेलो गाइस, मैं सुषमा शरद अग्रवाल, वेलकम यू टू कोड फिक्स एंड वेट फॉर यू मेड बाय ह्यूमन। सो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेस विद द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम टुडे वी हैव टू सॉल्व इज कोड सबट्रीज। सो लेट्स गेट इनटू दिस प्रॉब्लम। तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना, उसके अंदर अपने को एक बाइनरी ट्री दिया हुआ होगा जिसकी हर नोड को एक वैल्यू मिली हुई होगी। अब अपने को इस बाइनरी ट्री के अंदर ऐसे सब ट्रीज ढूंढने हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नोड्स के से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वो के बराबर भी हो सकती है और के से कम भी हो सकती है, लेकिन इस पर्टिकुलर सब ट्री के अंदर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नोड्स के से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर अपने को कोई भी ऐसा सब ट्री मिला तो अपन उसको एक गुड सब ट्री कहेंगे, और अपने को वही ढूंढना है कि अपने इस पर्टिकुलर बाइनरी ट्री के अंदर कितने नंबर ऑफ गुड सब ट्रीज हैं, और अपने को उसी का अकाउंट रिटर्न करके है। यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को इसी एग्जांपल से देखें तो इस एग्जांपल के अंदर अपने को बाइनरी ट्री ये वाला दे रखा है और अपना जो के है वो 2 है। मतलब अपन जो भी सब ट्री ढूंढेंगे उसके अंदर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नोड 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वो 2 के बराबर भी हो सकती है और 2 से कम भी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर डिस्टिंक्ट नोड्स 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एक बार अगर अपन अपने बाइनरी ट्री को ही एक सब ट्री कंसिडर करें तो अपन देखते हैं कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नोड्स है। तो ये 1 भी एक डिस्टिंक्ट नोड है, 3 भी एक डिस्टिंक्ट नोड है, 5 भी एक डिस्टिंक्ट नोड है और 4 भी एक डिस्टिंक्ट नोट है। और इन दोनों टूस के अंदर से एक को अपन डिस्टिंक्ट नोट बोल सकते हैं और एक को अपन रिपीटेटिव नोट बोल सकते हैं, तो अपन उसको काउंट नहीं करेंगे। तो इसके अंदर टोटल कितने डिस्टिंक्ट नोट्स हुई? 5 डिस्टिंक्ट नोट्स हुई, जो कि 2 से ऑब्वियसली ज्यादा होती है। तो अपन इस पूरे बाइनरी ट्री को एक गुड सब ट्री नहीं बोल सकते हैं। तो अपन इसके सब ट्रीज देख लेते हैं। तो अगर अपन इसका ये वाला सब ट्री देखें तो इसके अंदर टोटल नोट्स ही 2 है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नोट्स 2 से ज्यादा होने का तो सवाल उठता ही नहीं है। तो ये जो सब ट्री होगा वो अपने गुड सब ट्री होगा। तो इसके लिए अपन आंसर को प्लस प्लस कर देते हैं कि अपने को एक गुड सब ट्री मिल चुका है। फिर अगर अपन इस वाले सब ट्री को देखें तो इसके अंदर नंबर ऑफ नोट्स तो सिर्फ 1 ही है, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नोट्स 2 से ज्यादा होने का तो सवाल उठता ही नहीं है। तो ये भी अपना एक गुड सब ट्री होगा। और सिमिलरली ये वाले दोनों जो सब ट्रीज हैं वो भी गुड सब ट्रीज होंगे, क्योंकि इनके अंदर भी नंबर ऑफ नोट ही 1 है, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नोट्स 2 से ज्यादा होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो अपने को 3 गुड सब ट्रीज मिल चुके हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन अपने आंसर में 3 को प्लस कर लेंगे तो अपना आंसर 4 बन जाएगा। अब अपन अपने लास्ट सब ट्री को देख लेते हैं। तो इसके अंदर नंबर ऑफ नोट्स 3 है और तीनों ही डिस्टिंक्ट नोड्स हैं, तो अपने को नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नोड्स सब ट्री में 3 मिली है, जो कि 2 से ज्यादा होती है, और अपने को K2 दे रखा है, मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नोड्स 2 ही अलाउड है। तो ये वाला जो सब ट्री होगा वो अपने गुड सब ट्री नहीं कहलाएगा, और ये अपना लास्ट सब ट्री था। बाकी के सारे सब ट्रीज अपने चेक कर लिए हैं, और लास्ट में अपने को आंसर कितना मिला है, अपने को आंसर 4 मिला है, जो कि अपना आउटपुट है। मतलब अपन क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब अपन देख लेते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बार मैं बोर्ड क्लियर कर देती हूँ। तो इसको सॉल्व करना तो यार सिंपल है। इसको सॉल्व करने के लिए अपन सिंपली क्या करेंगे, अपन वही करेंगे जो अपन हमेशा बाइनरी ट्री के क्वेश्चन में करते हैं, कि अपन एक DFS ट्रैवर्सल चलाएंगे और अपन पूरे बाइनरी ट्री में ट्रेड करेंगे। और इसके साथ साथ ही अपन क्या करेंगे, अपन हर नोड के लिए एक लेफ्ट सेट बनाएंगे और एक राइट सेट बनाएंगे। हर नोड के लिए अपन ये करेंगे, लेफ्ट सेट और राइट सेट, लेफ्ट सेट और राइट सेट, ठीक है। हर नोड के लिए अपन करेंगे। लेफ्ट साइड के अंदर अपन क्या स्टोर करेंगे कि इसके इस पर्टिकुलर नोड के लेफ्ट सब ट्री में कितनी वैल्यूज हैं और इसके राइट सब ट्री में कितनी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं। क्योंकि सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज को आने देता है, जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगे वो उसको अपने आप रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो अपन सेट के साइज से ही पता लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सब ट्री के अंदर कितनी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नोड्स हैं, और उसको अपन कैसे कंपेयर कर लेंगे। अगर वो कैसे ज्यादा होगी तो अपन रिजेक्ट कर देंगे, वो के बराबर या फिर कैसे कम हुई तो अपन बोल देंगे कि वो एक गुड सब ट्री है, ठीक है। तो हर नोड के लिए अपन ये बनाएंगे, ठीक है। और एक पर्टिकुलर नोड के लिए सब ट्री क्या होगा, इसकी लेफ्ट सब ट्री प्लस इसका राइट सब ट्री और इसकी नोड, ठीक है। इन तीनों को अगर अपन मिला दें तो उसके अंदर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नोड्स आ जाएंगे, और उसको अपन कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अपन अपनी रूट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रूट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो अपन लेफ्ट पे चले जाएंगे, इसका भी लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो अपन लेफ्ट पे चले जाएंगे। अब इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता है तो अगर अपन इसके लेफ्ट पे जाएंगे तो नल रिटर्न हो जाएगा, तो अपन वापस इधर आ जाएंगे, ठीक है। मतलब इसके लेफ्ट सब ट्री में कुछ भी नहीं आएगा। सिमिलरली अगर अपन इसके राइट पे जाएं तो इसके राइट में भी कुछ नहीं है, तो इसके राइट सब ट्री में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट में इधर बना लेती हूँ, राइट में इधर बना लेती हूँ, ठीक है। तो इसके लेफ्ट सब ट्री में भी कुछ नहीं है, राइट सब ट्री में भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर अपन इस पर्टिकुलर सब ट्री के लिए कैलकुलेट करें तो इसके लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, इसके राइट में भी कुछ नहीं है, और इसकी नोड की वैल्यू क्या है, इसकी नोड की वैल्यू 3 है। तो अपने सेट के अंदर सिर्फ 3 आएगा, और अपने सेट का साइज क्या है, अपने सेट का साइज सिर्फ 1 है। तो अपन क्या बोल देंगे कि 1 को कैसे कंपेयर करो, 1 जो है वो कैसे कम है। मतलब अपने को एक गुड सब ट्री मिल चुका है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नोड्स कैसे कम है, ठीक है। तो अपन अपने आंसर में प्लस प्लस करके 1 कर देंगे।
ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, 3 जहाज भी आया था अपन उसको रिटर्न कर देंगे। तो अभी अपने सेट में क्या है, अपने सेट में 3 है, तो 2 के लेफ्ट सबट्री में क्या आ जाएगा, 2 के लेफ्ट सबट्री में 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर अपन सिमिलरली 2 का राइट सबट्री कैलकुलेट करेंगे, 2 के राइट में भी कुछ भी नहीं है तो इसके राइट सबट्री में कुछ भी नहीं आएगा। इसके लेफ्ट सबट्री में क्या है, इसके लेफ्ट सबट्री में 3 है और इसके राइट सबट्री में कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर अगर अपन 2 के लिए कैलकुलेट करने जाएं तो अपन ने क्या बोला था कि इसका मतलब अपन सबट्री कैसे निकालेंगे, लेफ्ट प्लस राइट प्लस रूट। ठीक है, तो लेफ्ट में 3 है, राइट में कुछ भी नहीं है और रूट में क्या है, रूट में 2 है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ डिस्टिंग नोड्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ डिस्टिंग नोड्स 2 हो गई, जो कि के बराबर है, जो कि अलाउड है कि नंबर ऑफ डिस्टिंग नोड्स केसेस ज्यादा नहीं होनी चाहिए, के बराबर होंगी तो अलाउड होंगी। ठीक है, तो ये वाला जो सबट्री होगा ये भी अपना एक गुड सबट्री होगा, तो इसके लिए अपन अपने आंसर को प्लस प्लस कर लेंगे। ठीक है, फिर अपन वापस 2 जहाँ से भी आया था वहाँ पर रिटर्न कर देंगे, तो इस 1 के लेफ्ट सबट्री में क्या आ जाएगा, 2 और 3। ठीक है, फिर अपन इसका लेफ्ट राइट सबट्री कैलकुलेट करेंगे, तो अपन 1 के राइट पे जाएंगे, राइट पे 2 आया, अब 2 का जो लेफ्ट है वो भी एक्सिस्ट करता है, तो अपन इसके लेफ्ट पे चले जाएंगे, लेफ्ट में 5 है, और अपन 5 का लेफ्ट देखें तो वो भी नल है, तो इसके लेफ्ट सबट्री में नल आएगा, राइट सबट्री में भी 5 के नल आएगा। ठीक है, 5 के लेफ्ट सबट्री में भी नल है, राइट सबट्री में भी नल है और रूट की वैल्यू क्या है, 5 है। तो अगर अपन इसका सबट्री कैलकुलेट करने जाएं तो इसके अंदर सिर्फ 5 आएगा, और इस सेट का साइज क्या है, सेट का साइज 1 है, मतलब इस वाले सबट्री के अंदर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नोड्स कितनी है, सिर्फ 1 है, जो कि के से कम होती है। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसके लिए प्लस प्लस कर देंगे आंसर में, अपना आंसर 3 हो गया, मतलब अपने को नंबर ऑफ गुड सबट्रीज 3 मिल चुके हैं। ठीक है, फिर अपन 5 के लिए रिटर्न कर देंगे, 5 कहाँ से आया था, 2 के लेफ्ट से आया था, तो 2 के लेफ्ट सबट्री में क्या हो जाएगा, 2 के लेफ्ट सबट्री में 5 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन इसके राइट सबट्री पे आए, इसके राइट सबट्री पे अपन आए तो ये आया 4। ठीक है, 4 आया, 4 के लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, राइट में भी कुछ नहीं है, तो ये दोनों एम्प्टी होंगे। अब 4 के लिए अपन वापस कैलकुलेट करेंगे, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा, लेफ्ट सबट्री नल है, राइट सबट्री नल है और इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। अब इसके आंसर में कितना आया, मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नोड्स कितनी है, सिर्फ 1 है, जो कि केस से कम होती है, तो अपन क्या बोलेंगे कि अपने को एक और गुड सबट्री मिल चुका है, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, फिर अपन इस 4 को रिटर्न करेंगे, तो 2 के राइट सबट्री में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 2 के लेफ्ट सबट्री में क्या है, लेफ्ट सबट्री में क्या है, 5 है, राइट सबट्री में क्या है, 4 है, और इसके खुद के नोड की वैल्यू क्या है, 2 है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नोड्स कितनी हो गई है, 3 हो चुकी हैं, जो कि केसेस ज्यादा होती है, तो ये अलाउड नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए आंसर को प्लस प्लस नहीं करेंगे, और ये 2 कहाँ से आया था, 2 आया था 1 के राइट से, तो 1 के राइट में ये वाली वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। तो 1 के राइट में क्या आया, 2 आया, 4 आया और 5 आया। ठीक है, अब अपन इनको कैलकुलेट कर लेते हैं 1 के लिए। ठीक है, 1 के लिए अपन कैलकुलेट करेंगे, तो 1 के लिए क्या होगा, सबसे पहले लेफ्ट सबट्री में 2 और 3। ठीक है, फिर राइट सबट्री आएगा, राइट सबट्री में क्या है, 2 है, जो कि 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसकी डुप्लीकेट वैल्यू आएगी नहीं, तो 2 को वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देगा। फिर 4 आया, 5 आया और फिर उसकी रूट की वैल्यू मतलब 1 आई। अब अपने पूरे साइज क्या है सेट का, मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी है, 5 है, जो कि 2 से ऑब्वियसली बड़ी होती है, तो ये एक अपना गुड सबट्री नहीं होगा। और लास्ट में अपने को आंसर क्या मिला, अपने को आंसर 4 मिला, तो अपन 4 ही रिटर्न कर देंगे, यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन होगा। तो एक बार अपन इसका कोड देख लेते हैं, तो इसके कोड मैंने सबसे पहले तो क्या किया, मैंने एक एम्प्टी अनऑर्डर्ड सेट बनाया है और एक रिजल्ट बनाया। रिजल्ट के अंदर अपन अपना आंसर, मतलब अपने नंबर ऑफ गुड सबट्रीज को स्टोर करेंगे और लास्ट में उसी को रिटर्न कर देंगे। और मैंने ये एम्प्टी सेट इसलिए बनाया है ताकि अपनी कभी भी रूट की वैल्यू नल आती है, जैसे इस 3 के लेफ्ट में जाएगा तो नल आएगा, तो इस एम्प्टी सेट को अपन रिटर्न कर देंगे कि इसके लेफ्ट सबट्री में कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने एक एम्प्टी अनऑर्डर्ड सेट बनाया है। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने ओरिजिनल फंक्शन में आई और मैंने क्या किया, मैंने इस DFS को, मतलब इस फाइन गुड सबट्रीज को कॉल कर दिया। इसके अंदर मैंने क्या पास किया है, अपने बाइनरी ट्री की रूट और अपने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नोड्स कितने अलाउड है, मतलब के पास कर दिया है। ठीक है, फिर मैंने बोला कि अगर अपनी रूट ही नल है तो अपने एम्प्टी सेट को रिटर्न कर दो, क्योंकि उसके लेफ्ट सबट्री या फिर उसके राइट सबट्री, मतलब जो भी चल रहा है उसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं है। ठीक है, फिर मैंने एक अनऑर्डर्ड सेट बनाया लेफ्ट नाम का, जिसके अंदर मैं क्या करती हूँ, मैं अपने रूट के लेफ्ट को कॉल करती हूँ और के देती हूँ। ठीक है, फिर मैंने राइट के अंदर भी वही किया है कि अनऑर्डर्ड सेट बनाया है और इसके अंदर मैं राइट को कॉल करती हूँ। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले अपन 1 पे आएंगे, 1 जो है वो नल नहीं है तो 1 के लेफ्ट पे चला जाएगा। फिर सिमिलरली 2 के लिए कॉल होगा ये पूरा फंक्शन, 2 भी नल नहीं है तो उसके लेफ्ट पे चला जाएगा। ठीक है, फिर ये पूरा फंक्शन 3 के लिए कॉल होगा, 3 भी नल नहीं है तो उसके लेफ्ट पे चला जाएगा। अब 3 का लेफ्ट जो है वो नल है, तो एक एम्प्टी सेट रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो 3 के लेफ्ट पे क्या रिटर्न हो गया, एक एम्प्टी सेट, मतलब 3 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो इस लेफ्ट सेट में अभी कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, फिर अपन 3 के राइट को कॉल करेंगे, नीचे आएगा क्योंकि रिटर्न हो चुका है, तो क्या होगा कि 3
के राइट के लिए कॉल होगा। 3 के राइट के लिए अगर अपन पूरे फंक्शन को चलाएंगे तो 3 का राइट पे कुछ नहीं है, एम्प्टी है, ठीक है, तो एम्प्टी सेट रिटर्न हो जाएगा। तो 3 के राइट में भी कुछ नहीं आया, लेफ्ट भी एम्प्टी है, राइट भी एम्प्टी है, ठीक है। फिर अगर लेट्स सपोज राइट में कुछ भी होता तो अपन क्या करते हैं, जो राइट में सारी वैल्यूज है उसको अपन लेफ्ट में शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है, और अपन अपने रूट के डेटा को भी लेफ्ट में शिफ्ट कर लेंगे ताकि अपना जो लेफ्ट है उसके अंदर पूरा आंसर आ जाए, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, लेफ्ट के अंदर नंबर ऑफ नोड्स आ गई अपने सब ट्री के अंदर, जो करंट सब ट्री चल रहा है, तो फिर उसके साइज को, मतलब उस सेट के साइज को अपन कंपेयर कर लेंगे के साथ में, कि अगर वो के से छोटा या फिर के बराबर हुआ, मतलब उसके अंदर जो नंबर ऑफ नोड्स है वो के से कम या फिर के बराबर है, तो उसके लिए रिजल्ट को प्लस प्लस कर दो क्योंकि वो एक गुड सब ट्री होगा, और फिर लास्ट में एल को रिटर्न कर दो। अब ये जो 3 है वो कहाँ से आया था, 2 के लेफ्ट से आया था, तो 2 के लेफ्ट में रिटर्न हो जाएगा, तो 2 के लेफ्ट सब ट्री में क्या स्टोर हो जाएगा, 3 स्टोर हो जाएगा कि 2 के लेफ्ट में 3 आया था, ठीक है। फिर अपन 2 के राइट के लिए कैलकुलेट करेंगे, 2 के राइट के लिए जाएगा, 2 का राइट नल है, तो अपना क्या होगा, एक एम्प्टी सेट रिटर्न हो जाएगा, तो राइट में एक एम्प्टी सेट हो गया। फिर अपन वापस क्या करेंगे, राइट में कोई भी वैल्यू होती तो उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं, अभी लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में सिर्फ 3 है, और फिर क्या करेंगे अपन 2 को और स्टोर करवा देंगे, ठीक है। तो इस सब ट्री की वैल्यू क्या हो गई, 2 और 3 हो गई, जिसका साइज 2 होगा जो कि के बराबर है, तो अपन रिजल्ट को प्लस प्लस कर देंगे और लेफ्ट को वापस रिटर्न कर देंगे। अब ये 2 कहाँ पे आया था, 1 के लेफ्ट से आया था, तो 1 के लेफ्ट में क्या रिटर्न हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है। फिर अपन 1 के राइट के लिए कैलकुलेट करेंगे, 1 के राइट के लिए अपन कैलकुलेट करते हैं, 1 के राइट में क्या है, 2 है, तो 2 के लिए कॉल होगा, 2 जो है वो नल नहीं है, तो वापस लेफ्ट पे जाएगा, लेफ्ट पे 5 आएगा, ठीक है, तो 5 के लेफ्ट के लिए वापस कॉल होगा, 5 के लेफ्ट नल है, 5 का राइट नल है, तो 5 के लिए वापस अपन कैलकुलेट करेंगे, तो राइट में भी कुछ नहीं है, लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, तो फिर अपन उसका जो डेटा है वो एंटर करेंगे और ऐसे ही पूरा कैलकुलेट हो जाएगा और लास्ट में अपने को अपना रिजल्ट मिल जाएगा जिसको अपन रिटर्न कर देंगे। यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सबमिट हो रहा है, मतलब एकदम एक्यूरेट सोल्यूशन है, आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझ आया वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे।